अब आइए देखें, मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज बड़ी तेजी के साथ, ये देखें, बस मिलादे रसूल में आए, एक चीज सुन लीजिए आप। ये एक आदमी जिसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बेंगलोर में एक कॉन्फ्रेंस हुई कि जख्मों के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उसको किसने ढूंढा है, तो लोगों ने कहा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ढूंढा है। और पेनिसिलिन दवाई का नाम सुने हैं, ये इसी ने बनाई है। तो लोगों ने कहा वाह वाह, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बहुत बड़ा काम किया, जख्म के अंदर बैक्टीरिया भी होते हैं, दुनिया नहीं जानती थी, इसने ढूंढा है, वाह वाह कितना ग्रेट आदमी है। जब मेरी बारी आई तो मैंने उनसे कहा कि अलेक्जेंडर को सलाम करने वालों, ये तो मालूम करो कि पैदा कब हुआ है, कब पैदा हुआ, तो सुनिए आप, 1881 में पैदा हुआ है और 1955 में उनकी डेथ हो गई। इसने जख्मों के बैक्टीरिया को ढूंढा, पूरी दुनिया में वाह वाह। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, टिप के हवाले से, मेडिकल के हवाले से, हमारे आपके आका इतने बड़े तबीबे आलम और हाजिक है सुभान अल्लाह, कि आज दुनिया हैरान है। आप जान रहे हैं ये क्या है, ये लेप्रोसी है, कोढ़ का मर्ज। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने इस पर रिसर्च किया, आओ देखें कोढ़ का मर्ज होता कैसे है और इसको ठीक कैसे किया जाए। ऑल द ग्रेटेस्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड स्टडी ऑन जुसाम, दैट इज कॉल्ड लेप्रोसी। दुनिया के डॉक्टरों ने जब इस पर रिसर्च किया और इसके बैक्टीरिया को पकड़ के निकाला तो इतना महीन है कि हमको तुमको क्या दिखे, द 700 बैक्टीरिया कैन सिट ऑन द पॉइंट ऑफ द नीडल, 1700 बैक्टीरिया सुई के नोक पे आ जाए, सुई के नोक पे, इतने महीन और बारीक हैं। ये देख के वो रोने लगा, शागिर्दों ने पूछा क्यों रो रहे हो, कह रहे हम तो आला खुर्दबीन से देख रहे हैं तो ये दिख रहा है, मोहम्मद के जमाने में तो चश्मा भी नहीं था। उन्होंने कैसे कह दिया, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के रसूल हैं, और वो बैक्टीरिया को पकड़कर ही पुट इट अंडर वेरी हाई एंड वेरी लो टेम्परेचर, उसमें खूब गर्मी दिया और सर्दी दिया और उसकी बैक्टीरिया को जब ढूंढ के निकाला है, बैक्टीरिया को ढूंढ के कौन निकाला, कोई बात हवा हवाई नहीं है, ढूंढ के निकालने वाले का नाम है डॉक्टर हैंस। 1873 में इसने कोढ़ के बैक्टीरिया को ढूंढा और जब बैक्टीरिया को पकड़ कर निकाला है तो जितने बैक्टीरिया हैं सब शेर की शक्ल में है, किसकी शक्ल में, किसके बैक्टीरिया, कोढ़ का, किसकी शक्ल में, शेर। ये देख लीजिए, मैंने इसे कंप्यूटर से निकाला है, तकरीर की दुनिया में ये इनकलाब है, आज तक बैक्टीरिया को किसी ने दिखाया नहीं स्टेज पे, ये देखें गौर से देखें। दुनिया के लोग कहते हैं कि जो कोढ़ का बैक्टीरिया है वो शेरे बबर की तरह है, क्या दिख रहा है, ये दाढ़ी है, ये दुम भी है, इस तरह मुंह फाड़े हुआ है जैसे कोई शेरे बबर अटैक करता है, ये देख ले, गौर से देख ले। तो दुनिया के लोग कहते हैं कि कोढ़ का बैक्टीरिया शेर की तरह, शेर की तरह, शेर की तरह, खुर्दबीन से देखते, आला से देखते। अब आइए मेरे हुजूर की बारगाह में, 1400 साल पहले बैक्टीरियालॉजी, वायरोलॉजी कोई तसव्वुर नहीं, दुनिया का कोई फर्द भी बैक्टीरिया के नाम से आगाह नहीं, लेकिन आका इरशाद फरमाते हैं बुखारी शरीफ किताबुत्तिब बाबु जुजाम अन अबी हुरैरा قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفر من المجزوم كما تفر من الاسد, कोढ़ी से ऐसे भागो जैसे शेर से भागा जाता है, कोढ़ी से ऐसे भागो जैसे शेर से भागा जाता है। आज दुनिया खुर्दबीन मशीन से देखकर कह रही है कि कोढ़ का जरासीम शेर की तरह है, लेकिन मेरे आपके आका पैगंबर कायनात 1400 साल पहले दुनिया को बताते नजर आ रहे हैं कि कोढ़ी के मर्ज से बचो, उसमें जो बैक्टीरिया है वो शेर की तरह है, तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए मगर एक न एक दिन उसे नबी के दर पे आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ बढ़ बढ़।